नमस्ते, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे पाकिस्तान ने 19 फरवरी को चौंकाने वाला दावा किया। पाकिस्तानी केंद्रीय बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर तारिक बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान आर्थिक संकट से बाहर आ चुका है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की हैसियत भारत में रिजर्व बैंक जैसी है। बाजवा ने लाहौर में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भाषण देते हुए दावा किया कि पाकिस्तान अब सही रास्ते पर है और देश आर्थिक चुनौतियों से निपटने में सक्षम है। इसके साथ ही तारिक बाजवा ने एक चिंता भी जताई। बाजवा ने कहा कि चालू खाते का घाटा यानी करंट अकाउंट डेफिसिट पाकिस्तान के लिए चिंता का सबब रहा है, मगर प्रधानमंत्री इमरान खान ने चीन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और तुर्की जैसे मित्र देशों का दौरा करके काफ़ी निवेश प्रस्ताव हासिल किए हैं। चालू खाते के घाटे में कमी लाने के लिए प्लान तैयार हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से भी कर्ज हासिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी केंद्रीय बैंक के गवर्नर का बयान सऊदी अरब से 20 बिलियन यानी करीब 1,43,000 करोड़ रुपए की मदद मिलने के बाद आया है। पाकिस्तान की कंगाली, चालू खाता घाटा, IMF, आपके कुछ पल्ले पड़ रहा है? नहीं पड़ा तो चिंता मत कीजिए, हम आपको सब कुछ समझाएंगे आसान भाषा में और जानेंगे कि भारत को जंग की धमकी दे रहे पाकिस्तान की माली हालत कितनी पतली है, पाकिस्तान की ऐसी हालत कैसे हुई और वो क्यों भारत से युद्ध नहीं लड़ पाएगा। पहला सवाल, पाकिस्तान कंगाली के कितने गहरे जाल में फंसा हुआ है? जवाब है कि इस वक्त पाकिस्तानी रुपया भारत की 98 के बराबर है, 50 पैसे बराबर। 19 फरवरी को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया 140 रुपये के करीब और भारतीय रुपया 71 रुपये के आसपास था। पाकिस्तान ने चीन से करीब 13,500 करोड़ रुपये का ताज़ा कर्ज मांग रखा है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 8,500 करोड़ रुपये पर आ गया है। ये रकम सिर्फ 2 महीने के आयात के लिए ही है। हाल ही में पाकिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात के 3 बैंकों से 20 करोड़ डॉलर यानी करीब 14,200 करोड़ रुपए के कर्ज की मांग की है। ये कर्ज बैंक ऑफ दुबई, अमीरात NBD और नूर बैंक देंगे। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने इसकी तस्दीक की है। उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते कर्ज को चुकाने के लिए ये उधार लिया जा रहा है। सवाल नंबर 2, पाकिस्तान इस हाल में कैसे पहुंच गया? पाकिस्तान को इस हाल में पहुंचाने के लिए उसका चीन से लिया गया कर्ज जिम्मेदार माना जाता है। मतलब ये कि पाकिस्तान सरकार चीन सरकार और वहां के बैंकों से बेतहाशा कर्जे लेती रही, बाद में उसके ब्याज चुकाने के लिए उसने और कर्जे लिए। इस तरह वो कर्ज के भंवर जाल में फंस गई। उसकी मुसीबत अमेरिका ने और बढ़ा दी। अमेरिका ने पाकिस्तान को दी जाने वाली करीब 300 मिलियन डॉलर यानी करीब 2100 करोड़ रुपए की मदद रोक दी है। अमेरिका पाकिस्तान को आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर पैसा देता था। इस फैसले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अरबों डॉलर की मदद मिलने के बावजूद पाकिस्तान अमेरिका से धोखाधड़ी कर रहा है। पिछले 15 साल में उसे 33 अरब डॉलर से ज़्यादा की मदद दी गई, मगर पाकिस्तान की तरफ से बस झूठ ही बोला गया। पाकिस्तान को लगता है कि अमेरिका के नेता मूर्ख हैं। अफगानिस्तान में जिन आतंकियों को खोजा जा रहा है उन्हें पाकिस्तान ने ही पनाह दे रखी है। सवाल नंबर 3, क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पाकिस्तान की मदद कर पाएगा? आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तानी PM इमरान खान ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का दरवाज़ा खटखटाया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कर्ज में फंसे देशों को सस्ता कर्ज देता है। इस बार पाकिस्तान का संकट इतना गहरा है कि IMF भी उसे उबारने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहा। IMF की टीम पाकिस्तान का दौरा कर चुकी है, मगर कर्ज पर उसने कोई फैसला नहीं लिया है। साल 2013 के आर्थिक संकट के बाद पाकिस्तान को एक बार फिर IMF के सामने हाथ फैलाने पड़े हैं, मगर इस बार अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण IMF के पास ज़्यादा विकल्प नहीं है। सवाल नंबर 4, चीन के अलावा दूसरे मित्र देशों से कितनी मदद मिलेगी पाकिस्तान को? सऊदी अरब ने पाकिस्तान को एक साल के लिए 300 करोड़ डॉलर की सहायता देने का वादा किया है। सऊदी की तरफ से पाकिस्तान को तेल आयात करने के लिए अलग से 300 करोड़ डॉलर की मदद मिलेगी। ये सहायता 3 साल के लिए होगी। इस तरह सऊदी पाकिस्तान को 600 करोड़ डॉलर की मदद करेगा। पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब के बीच सालों पुरानी रणनीतिक साझेदारी रही है। दोनों देशों के बीच सैन्य, आर्थिक और धार्मिक संबंध है। पाकिस्तान मलेशिया से हर साल 200 करोड़ डॉलर का खाने का तेल आयात करता है। जानकारों के मुताबिक इमरान खान मलेशिया की सरकार से इस आयात में कुछ अलग से छूट प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं।
सवाल नंबर 5, क्या पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध लड़ने की स्थिति में है? जानकारों के मुताबिक इन हालात में पाकिस्तान युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है। पाकिस्तान के प्रमुख अर्थशास्त्री जफर महमूद ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को एक अस्थायी मदद ज़रूर पहुंचाई है, लेकिन जब तक हम अपनी ढांचागत समस्याओं को दूर नहीं करेंगे तब तक हमारी परेशानियां हमेशा के लिए दूर नहीं की जा सकेंगी। इसके बिना हम हमेशा ही विदेशी मदद पर निर्भर रहेंगे। सऊदी अरब से मदद मिलने के बाद इमरान IMF से थोड़ा आसान समझौता कर सकते हैं, फिर भी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को संकट से निकालने के लिए उन्हें एक लंबी रणनीति बनाने की ज़रूरत है। जाहिर है आर्थिक संकट के भंवर जाल में फंसे पाकिस्तान के पास अभी अपने रोज़मर्रा के खर्चे चलाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। ऐसे में वो युद्ध के बारे में सोच भी नहीं सकता है। ये बात और है कि सेना और ISI के दबाव में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान युद्ध की स्थिति में भारत को जवाब देने की बात कर रहे हैं, मगर अभी उसकी हालत ऐसी नहीं है कि वो युद्ध के बारे में सोच भी सके। अमेरिका से मिलने वाली आर्थिक मदद से पाकिस्तान को बड़ी सहायता मिलती थी, मगर अब हालात बदल चुके हैं। सवाल नंबर 6, चालू खाता घाटा क्या होता है, जिसका जिक्र पाकिस्तान के लिए अक्सर होता है। देश के कुल निर्यात और आयात के बीच के अंतर को चालू खाता घाटा कहा जाता है। चालू खाता घाटा में निर्यात और आयात में वस्तुओं के साथ सेवाओं को भी जोड़ा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी देश में वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात के जरिए कितनी विदेशी मुद्रा आती है और कितनी बाहर जाती है, इसके अंतर को चालू खाता घाटा कहते हैं। सिर्फ वस्तुओं के निर्यात और आयात के अंतर को व्यापार घाटा यानी ट्रेड डेफिसिट कहा जाता है। छोटी अवधि के लिए चालू खाता घाटा फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि निवेशक ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में पैसा लगा सकते हैं। लंबी अवधि तक बढ़ता चालू खाता घाटा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित करता है। चालू खाता घाटा बढ़ने से देश की मुद्रा में कमजोरी आती है, देश में आने वाला निवेश घट जाता है। पाकिस्तान आज ऐसी ही स्थिति का सामना कर रहा है। हमारे साथी अनिरुद्ध ने ये सारी रिसर्च करके हम तक पहुँचाई है। आपका इस बारे में क्या कहना है हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे एंड्रॉयड ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, YouTube चैनल हमारा उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और Facebook पेज है उसको भी लाइक कर लीजिए। थैंक यू।